ਉੱਚੀ ਪਟਾਖ ਦਮ ਪੁਖਤ ਕੜਿੰਬਾ ਉਰਲ ਸ਼ਕ ਸ਼ਿੰਬਾ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 कमरिया धीरे धीरे। कितने बच्चे हैं आपके? 9 बच्चे, 5 तिया, 4 मुंडे। सच्चा प्यार नहीं मिलने लगा। तो भाई, अब अगर सच्चा प्यार मिल जाता तो ये संख्या 9 से कहां जाती? अरे कच्चा बादाम का न्यू वर्जन आ गया मेरे भाई, ये देखो। कैसा बादाम खाए तो राहत वाला दिया जावे। कैसा बादाम, आप सिंगल हो या मिंगल यार, इससे फर्क नहीं पड़ता है। रिलेशनशिप के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मियाँ बीवी लड़ाई करते हैं तो चीजें टूटती हैं। लेकिन एक सेकंड, जब सुलह करते हैं तो क्या टूटता है? जब सुलह करते हैं तो क्या टूटता है? क्या टूटता है? गुड क्वेश्चन। आई थिंक सो, फिर तो प्लांग ही टूटा है। तो देख के कौन लड़का पढ़ना चाहेगा? अच्छा ये देखिए, एक खड़ा बाबू मैडम के देख के पढ़े का मन करता है, कोचिंग करने का मन करता है, शादी करने का मन करता है। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की मैडम से? बर्बाद है भाई, बर्बाद है, ये जनरेशन बर्बाद है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। ओ सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं भाई। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बारिश के चलते रोड बन गई बवासीर और चिचा गिर गए भैया 3 बार। आइए चचा की दुख भरी कहानी सुनते हैं, चिचा की जवानी। तो ये पानी के अंदर से पूरा गाड़ी निकाले, भले साइड ने वहाँ आगे कीचड़ जमा हो जा रहा रोड पे। अच्छा, और उसकी वजह से पूरी गाड़ी स्लिप हो गई। मैं ऐसा करके 3 बार गिर गया ये। ठीक है, ये 8 दिन में। मगर अभी जो गिरा मैं तो बहुत ज्यादा गिरा और ज्यादा मार लगा मेरे को। ठीक है, अब फसली में बहुत तकलीफ है। अरे बाप रे, यहाँ बहुत दुख रहा, ये फसली में बहुत तकलीफ है। पाकिस्तान पहुंचने वाला है चांद पे भाई, हम लोग यही रह गए। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चुप। चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, प्रलय तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। बात तो सही कही है। ढिंचक पूजा की जो बेइज्जती करी है ना भाई, ये सब उसका परिणाम है। अब पता चल रहा यार वो कितनी सुरीली थी भाई। मेरे लिए क्वेश्चन ना बहुत ही कॉमन हो गया है, तुम्हारी शादी कब होगी? अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा। मेरा दोस्त बोला मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा अरे भाई, मौका ही लग जाए तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है यार। रदिया मैनू जिड़े अंबड़ा दी क्वीन।
बेटी ने अपनी पसंद की शादी कर ली। मंडप पे ससुर को इम्प्रेस करता हुआ दामाद, बेटी यहाँ जाना कर, पूरी नमकीन है, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। किसी को प्यार में धोखा मिल रहा है भाई, और किसी को मिल रहा है सच्चा प्यार। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं यार जो बीच में फंसे हुए हैं भाई। आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। हमारे घर तो रिश्ते वाले आते हैं, बोलते हैं लड़का दिखाओ, लड़का दिखा दो, बोलते डॉक्टर को दिखाओ। नो गॉड प्लीज नो नो। तो भाइयों आज एक एडवाइस दे रहा हूं यार कि रशियन को भूल जाओ भाई, नेपाल पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या बोलता है बंटाई? साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कभी कैच किया रे। मौलवी साहब की वजह से घर में मच गया कोहराम, अब इन बच्चों को चाहिए इंतकाम। पूरा मामला बताता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, आपने कल के अनुमान पे कहा था कि बेटी को ज्यादा लाड़ करना, तो हमारे अब्बा हमारा लाड़ ही नहीं कर रहे। जो भी चीज ला रहे उनको दे दे रही। जिंदगी की चाहे कितनी भी लगी पड़ी हो भाई, पर बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सदबुद्धि दे। मतलब भाई ये लड़कियां किसी गरीब का भला होते हुए देख नहीं सकती। जिनके भी दांतों में गुटखा खाने की वजह से जंक लग गया है भाई, तो ये क्लिप उन लोगों के लिए है।